चुरा के दिल तेरा, चली मैं चली, मुझे क्या पता कहाँ मैं चली, मंजिल मेरी। हेलो, कैसे हो भाई? पबजी को बैन करने का पूरा माहौल गर्म हो चुका है, पूरी स्थितियां एकदम जोरों से जोर चल रही हैं कि जल्दी से जल्दी पबजी को बैन किया जाए। अगर आपको इन सब के बारे में जानना है कुछ, मैं आप सबके बीच इसी पबजी से रिलेटेड सारी चीजें आप सभी के बीच शेयर करने वाला हूँ, कुछ बातें आप सभी के बीच शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि देखिये इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोज बन चुकी है, लेकिन मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में आप सभी के बीच बात करने जा रहा हूँ। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, आप पहले वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए। देखने के बाद आपको वहां पर एक आई बटन मिल जाएगा, यहां से आप अपनी राय यस और नो कह के अपनी राय दीजिएगा कि अगर PUBG बैन करना चाहिए तो उसका आंसर आप यस करिए, अगर नहीं बंद करना चाहते तो उसे नो करिए। आपका इसमें क्या राय है, आप ये यहां आई बटन पर आप उसको अपना जो आंसर हो आप उसे दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए। तो भाई कुछ बात ये है कि देखो PUBG कितना ज्यादा सभी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि PUBG का इतना ज्यादा लत हो गया है। देखो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता था लेकिन यार वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा मुझे, इसी डर की वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता। एक वीडियो मैं कल शाम को बैठा था तो अचानक, मतलब मैं भी स्मार्टफोन चला रहा था मोबाइल, तो अचानक मेरे पास एक व्हाट्सएप पर वीडियो आया। उस वीडियो में मैंने ये देखा कि वो बंदा, एक बंदे की शादी हो रही थी और वो शादी हो रहा था तो बगल में बैठकर ही, उधर शादी हो रहा और उधर बगल में बैठकर वो PUBG खेल रहा है। देखो यार कितना ज्यादा भाई, को क्या जरूरी है, अरे शादी हो जाने के बाद अपना खेलो, जितना मन करे उतना खेल लो। अब एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, एक वीडियो मेरे पास और याद है, मैंने उसको देखा था, मैंने वो YouTube पर देखा था, वो PUBG का ऐसा लत हो गया बंदा, वो देखो रास्ते में ऐसे वो जा रहा था, जाने के बाद कुछ ही दूर चला, मैंने वो वीडियो देखा था, वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। मैं वीडियो आपको दिखाता तब आपको कंफर्म एकदम 100% यकीन हो जाता, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे चैनल पर आ जाएगा, तो इसीलिए मैं इसी वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता। तो देखो बात क्या है कि वो बंदा जा रहा था रास्ते में और अचानक जाते जाते बस ऐसे चुम मार के जा रहा है और जाते जाते बस अचानक में बॉक्सिंग करने लगा, ऐसे 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 करके। अब बताओ यार क्या एकदम, बहुत ही मतलब देखने में वो बंदा लग रहा था कि हाँ पढ़ने लिखने में और उसके पास नॉलेज है, जानकारी, ये नहीं कि पागल की तरह लग रहा था, एकदम नॉलेज उसके पास था, ये देखने में ऐसा लग रहा था साफ सुथरा था एकदम अच्छा बढ़िया सा, लेकिन वो अचानक ऐसे जा रहा था और रास्ते में अब बॉक्सिंग वॉक्सिंग करने लगा। तो यही आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ यार कि अगर आप किसी भी चीज़ का लत लगा रहे हो तो एकदम उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसके ऊपर आप हावी हो जाओ। कहने का मतलब ये है कि जब आपका माइंड कहे तभी आप किसी भी चीज़ को उठ जाइए। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो जब आपका माइंड कहे उसी टाइम के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिन भर लगे रहिए। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो मैं आपको इस बस आपको इस बात से समझाना चाहता हूं कि आप PUBG की ओर PUBG पर आप उतना ध्यान मत दीजिए कि इसको बंद किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे बंदे हैं, बहुत से ऐसे लड़के हैं, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो इसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, मिनिस्टर्स के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उनको लेटर पर लेटर लिखते हुए जा रहे हैं। अब देखो कल की क्या बात है, एक छोटा लड़का था लगभग 11 साल उसकी उम्र थी, वो अलग अलग प्राइम मिनिस्टर अलग अलग मिनिस्टर्स को वो लेटर लिखकर भेज रहा है कि PUBG को बैन किया जाए, पढ़ाई पर नुकसान हो रहा है, हम लोग की इस समय एग्जाम्स आने वाले हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैं उस बंदे से पूछना चाहता हूँ, उस लड़के से पूछना चाहता हूँ, उस लड़के के पेरेंट्स से ये पूछना चाहता हूँ कि जितना टाइम आप उसको दे रहे हो लेटर लिखने के लिए, लेटर लिखने के बाद मैसेज करने के लिए मिनिस्टर को आप भेज रहे हो लेटर लिखने के लिए, उससे ज़्यादा अगर टाइम आप लगा दो पढ़ाई में तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कितना ज़्यादा आपका सिलेबस आपका सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। तो उसी नाते आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये मत कहिए कि मुझे PUBG रोकना है। देखो हम सभी लोगों को अगर एक हो जाएंगे, अगर हम सभी लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, अपने ऊपर विश्वास रख लेंगे कि मुझे PUBG नहीं खेलना है, मैं नहीं खेलूंगा। मैं आपको देखो कन्फर्म आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं भी PUBG खेलता था। अब देखो मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, मैं एक दिन PUBG खेल रहा था और अचानक मैं इसे खेल नेट, क्योंकि नेट इंटरनेट से चलता है, मैं PUBG खेल रहा था, उसी वक्त अचानक एक कॉल आ गया मेरा। कॉल आने के बाद और मैं बहुत सही एकदम टाइम पर, एकदम बहुत गजब का मतलब टाइम था उस समय, मैं PUBG खेल रहा था और बहुत मतलब इंटरेस्ट आ रहा था उसी बीच, तो अचानक मेरे पास कॉल आ गया और जब कॉल आया तो मेरा नेट कनेक्शन बंद हो गया। अब वो जितना मैंने खेला था, जिस मिशन पर मैं पहुंचा था, सब बेकार हो गया।
तो उसी वक्त मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि इतना मेहनत किया वहां तक पहुंचा उसके बाद फिर बेकार हो गया। तो इसी नाते फिर मैंने क्या किया, पबजी को उसी समय तुरंत अनइंस्टॉल कर दिया कि नहीं खेलूंगा। तो इसी नाते आप लोगों से मैं मेरा सीधा कहने का मतलब यही है कि आप पबजी को दबाओ यानी बैन करने का बात मत करिए। आप जो अब काम कर रहे हैं उसके ऊपर बस वो कहिए कि मैं इससे नहीं खेलूंगा, इसको नहीं यूज करूंगा। आप अगर अपने आप को सही कर लेंगे तो वो बेकार हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जब उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो वह यहाँ पर चलेगा ही नहीं। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि मुझे नहीं खेलना है। अब देखो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि देखो गार्जियन क्या करते हैं, रात को जब हम सभी लोग सो जाते हैं, सोने के बाद मोबाइल को चार्ज करके रख लेते हैं, 100% 90% 90% चार्ज करके रख लेते हैं, और रखने के बाद रात में 12-12 बजे रात को उठकर पबजी खेलते हैं। ऐसी क्या जरूरत है, क्या जरूरत। मैं उस छोटे लड़के से पूछना चाहता हूँ कि वो अब बताइए, वो 11 साल का बच्चा वो मिनिस्टर्स को, अलग अलग मिनिस्टर्स को लेटर लिखकर भेज रहा है कि पबजी को बैन किया जाए, क्या ये सही है? आप लोग का इसमें क्या राय है, आप लोग जरूर यहाँ पर आई बटन पर मुझे जवाब दीजिएगा यस आर नो करके, और सभी बातों को मिलाकर लिख दीजिए अपनी जो पूरी कहानी है, पूरी स्टोरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में, और कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। आज की इस वीडियो में इतना ही।